हमारे सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम अमल करते भी है। कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रहे के अपने एरिया में, वो चेक करते हुए हमारे लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस पे हमारी एसआई हेमा को एक इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ पे कैमिल्स इलीगली स्लॉटर कर रहे बोल के एक इन्फॉर्मेशन आने पर, वो हेमा एसआई जाके वहाँ पे वेरीफाई करने पर, वो 11 कैमिल्स थे, 11 ऊंट थे जो जिनको स्लॉटर करने की नीयत से वहाँ पे रखा गया था। तो उस 11 कैमिल्स को हम सीज करते हुए, वो जो अल्ताफ बोल के जो आदमी था, ये सैयद अली गुड़ा पे जो ये काम कर रहा था, तो उसको अरेस्ट करे और उसके चार काम करने वालों को भी अरेस्ट करे और उनको केस लगाकर 83/24 में केस लगाकर उसको जेल भेज दिया गया। और जो 81 जो कैमिल्स थे ना, उनको माना जीएचएमसी के हैंडओवर कर दिया गया। वो लोग फिर वहां से एलबी नगर पे होल्डिंग पॉइंट पीपुल्स फॉर कैमिल्स बोल के एक वो एनजीओ है, वो लोग इनका एनिमल्स का टेक केयर लेते हैं। तो वहाँ पे वो थ्रू जीएचएमसी उनको उधर हैंडओवर कर देगा। अब आपके मीडिया के जरिए मैं अपने लोगों को अपील करना चाह रहा हूँ, ये रमज़ान या बकरीद बोल के ये खाने के शौक में गलत काम ना करें। ये हिरन का गोश्त वो ऊँट का गोश्त बोल के और कोई नमूने नमूने के काम करके अपने आप को केस में ना फंसाएं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि वो जो लीगल थिंग्स है वही करें और इलीगल थिंग्स ना करें।